इस अवसर पर पहुंचे मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद। देखिए मैं सबकी भावनाओं का समर्थन करते हुए ये जो हमारा मोर्चा बनाया गया है बिहार की खुशहाली के लिए, उसके लीडर के रूप में जो है हम लोग जो है सत्य पप्पू यादव जी को जो है अपॉइंट करते हैं कि हम इसका चेहरा रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ सब लोगों का और पप्पू यादव जी जो है इसका चेहरा रहेंगे। पप्पू यादव जी अपनी बात रखेंगे। अरे 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 चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। उपाध्यक्ष सरफुद्दीन अहमद सर, एस एन महमूद शरीफ सर, तस्लीम रहमानी जी, यह जो गठबंधन है यह मानवतावादी गठबंधन, राजनीतिक शास्त्र कम समाज शास्त्र जल सबको ले चलने वाला, कश्मीर से कन्याकुमारी। मैं अपने राज्य में गहरी चिंता इस गठबंधन की जो है कि बिहार को कैसे बचाया जाए। हमारे पार्टी के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर अखलाक अहमद जी भी, हमारे विधायक रामचंद्र बाबू जाट जी, राघवेंद्र पुष्पा जी, उमेश खान जी, सभी लोग और हमारे कोश साहब कोऑर्डिनेटर, हमारे मंच पर तोमर साहब, लंबे समाज के अंतिम वर्गों के लिए काम करने की बड़ी भूमिका, और सभी पार्टियों के यहां अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनका सभी पार्टियों के अध्यक्ष का अति सम्मान यहां पर है और वरिष्ठ नेता यहां मौजूद है। आप ये मत सोचिएगा कि यह गठबंधन अंतिम है, आपको सामने हो सकता है हम सब मिलकर एक बड़ा दिल, समुद्र से ज्यादा गहरा और हिमालय से ज्यादा ऊंचा, और हम सब की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस पृथ्वी से ज्यादा चौड़ी है। हर परिस्थितियों में दो बार इस गठबंधन ने निर्णय लिया और बातें आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपको हम दो दिन के अंदर, आज का एक गठबंधन जो बार बार यह हो रहा था कि बिहार बदलना चाहती है लेकिन कोई संकल्प के साथ विकल्प नहीं मिलता है, विकल्प है एक नहीं बड़ा विकल्प है। पुलिस की आदत हो गई अपमान होना, हमने कई बार कहा कि आइए स्वागत करेंगे। हमने लगातार नीतीश कुमार जी आप किसको छोड़ते हैं, आपने उपेंद्र कुशवाहा को लात मारा, आप भगवान कुशवाहा को लात मारा, आप शकुनी चौधरी को लात मारा, आप नागमणि को लात मारा। आप कहते तो हैं कि कुशवाहा हमारी बपोती है, कुशवाहा समाज के भीतर क्या नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, क्या उसके भीतर एक लीडरशिप नहीं है। यही हाल महागठबंधन में, आपको उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों पसंद नहीं है। दो मुद्दा था जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा जी का कि आप मुख्यमंत्री का चुनाव चुनाव के बाद विधायक दल के द्वारा करें, और दूसरा था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लें। तो आपको दो मुद्दे पर भी जब इतने बड़े अहंकारियों को ये आदत नहीं थी तो आपने एक अच्छे लीडर को आप लात मार, और ये नीतीश जी वही हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी को अकेला पप्पू यादव सपोर्ट के लिए खड़ा था और ये दोनों भाई मिल करके उनका वध किया था, संभुक वध किया था। मुझे नहीं जानकारी जीतन राम मांझी जी मेरे बुजुर्ग हैं, हालात और परिस्थितियां का रही मुझको नहीं जाना। अब हमारे जो सबसे बड़े 67 के हीरो थे बिहार में
रामविलास पासवान, मैं उसको पिता के रूप में आदर करता हूं, हमारा पारिवारिक रिश्ता है। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि रामविलास जी बीमार है तो कहते हैं कि मुझको तो जानकारी नहीं, शरद की जानकारी इनको थी, रामविलास जी की जानकारी पीएम को थी, वेंटिलेटर पर थे। इतना अपमान कि आप दलितों को हिंदुस्तान में परजीवी समझते हो। 100 में 90 हमारा तो 90 में 19 दलित नहीं, 90 में 21 अत्यंत पिछड़ा नहीं, क्या 90 में सिर्फ कुर्मी और जाधव, कुशवाहा नहीं, दलित नहीं, अत्यंत पिछड़ा नहीं, आप सबको ले चलो ना, ऊंची जात के लोग नहीं, सब हैं। हम पहला आदमी थे जिसमें लालू जी को कहे थे कि रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाओ, सिंगल आदमी, तब तो सबसे ज्यादा गाली नीतीश कुमार ने दिया था ब्रह्म बाबा का के रघुवंश बाबू, तो आज उनको कभी ऐश्वर्या, कभी सुशांत, कभी भारत के संविधान को गला घोटने वाला हरिवंश, तो कभी जिसका अपमान किया रघुवंश बाबू यादव, इनके पास कोई मुद्दा नहीं।